तो उन्होंने बेल बजाया और बेल बजा के नीचे उतरने लग गए। फिर पापा ने पूछा कि हाँ जी, कह रहे वो शार्क टैंक वाले अंकुश। मैंने कहा यार भाई मिलने मैं बुलाऊंगा, स्पेशली एक अच्छा इवेंट करेंगे, सक्सेस पार्टी करेंगे तो सबको बुलाएंगे, पूरे हिमाचल को इन्विटेशन देंगे। एक बात पूछनी थी आपसे, गगरेट से कोई लड़के रात को घर का दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि कोई शार्क टैंक पे गया था, बस उनसे मिलना है, कुछ हुआ ऐसा? हाँ, अब कैसे होता? क्या हुआ था यार? करीब 9:30 बजे की बात है ना, हम सब डिनर करके जस्ट फिनिश हुए थे एंड बहुत देर से ना कोई गेट खटखटा रहा था, तो वो अंदर आ गए, गेट खटखटा के अंदर आए क्या ऐसा हमारा है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर तीन फ्लोर बिल्डिंग है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा मतलब हमारी फैमिली रहती है। तो उन्होंने बेल बजाया और बेल बजा के नीचे उतरने लग गए। फिर पापा ने पूछा कि हाँ जी, कह रहे वो शार्क टैंक वाले अंकुश। पापा ने कहा हाँ यही है, आ जाओ। तो वो आए, फिर उन्होंने कहा कि हमने जैसे आपका एपिसोड देखा था और हमें ऐसे मन हुआ कि चलते हैं, मिल के आते हैं, और शायद पता नहीं कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ गेट को टच करके आ जाएंगे, हाँ कि उनके घर जाके आए। ओह, मैंने कहा यार दिस इज लाइक कि गूज़बम्स बने, ये यार ये थोड़ी एक्सपेक्ट किया था कि क्या मैं किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट कि कोई मेरे लिए इतनी दूर से स्पेशल। तो उन्होंने बैठा सबने चाय पी अच्छे से, उन्होंने अपना आइडिया मेरे को बताया कि हम ये स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, देन मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि डोंट डू दिस डू दैट, एंड उन्होंने वो लिए भी, एंड उन्होंने मेरे को एक तरह से अपना मेंटोर मेरे को बनाने आए थे वो, एंड मैं कैसे एक्सपेक्ट मतलब कैसे एक्सेप्ट नहीं करता वो चीज। तो ये इंसिडेंट आपको कैसे बता? बाद में बताऊंगा, ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा। श्योर। अच्छा, पापा की शॉप है? हाँ जी। पापा को फोन आता है कि जी कोई शार्क टैंक पे लड़का गया हुआ है, कोई आपके उधर बंगाणा का? हाँ हाँ, बोले गया है बंगाणा का। बोले वो भी तो सरनेम फिर बोला जाता है कि वही है। बोले आप जानते हो उसको? तो पिताजी कहते हैं कि वो तो मेरा ही बेटा है। मेरा ही बेटा है। हाँ, ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ था प्रॉपर, मगर अब बताऊँ तो फोन आता है पापा को कि जी हम ये टीवी पे देख रहे हैं, ये बंगाना, आप बंगाना से ही हो ना? कह रहे हैं हाँ जी बंगाना से ही है। कह रही टीवी पे, कह रहे हैं कि जानते हो आप? हाँ जी जानते हैं। पापा के पास हमारे घर के पास रहता है, ऐसे नहीं बोला मेरा बेटा है। कह रहे कि आप भी बरजाता नहीं? कह रहे हाँ बरजाता। तो कह रहे कि तू कभी ऐसे मिलना जुलना हो? तो कह रहे मेरा ही बेटा है भाई। ऐसे ये इंसिडेंट कैसे, आपको कैसे होता ये सब स्टोरी? है कुछ सोर्सेज है हमारे भी है थोड़े बहुत। पापा को तो नहीं कॉल लगा दिया आपने यार? नहीं, मेरी कभी बात नहीं उनसे। तो ये तो थे दो इंसिडेंट्स। अच्छा, वो भी कोई कपड़े वाले थे राइट, जो दिल्ली से जिन्होंने कॉल किया? जी। ये तो मैंने बता दिया दो इंसिडेंट, ऐसा कुछ और हुआ? बहुत सारे हुए हैं। एक DCS दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल की MD थी, और वो ढूंढती उनको पता नहीं ऊना कहाँ है, उनको पता नहीं बंगाना कहाँ है, वो कहीं उधर उधर घूमती फिरती, ऊना में अपने बैनर्स लगे थे तो बैनर्स को फॉलो करते करते आई, और फिर उन्होंने आके पूछा कि जी अंकुश का घर कहाँ है। तो जैसे जिन्हें अंकुश कौन, वो शार्क टैंक, मैं बताता हूँ अंकुश का, कहें कि अब सबको, तो उनको घर छोड़ के गए और फिर वो आए हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमें मिलना था आपसे, और बढ़िया उनके साथ कि इतनी दूर से लोग चल के आ जा रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, कोई नंगल से आ रहा है, कोई धर्मशाला से कॉल जा रही है कि सर हम आपके पास मिलने। मैंने कहा यार भाई मिलने मैं बुलाऊंगा, स्पेशली एक अच्छा इवेंट करेंगे, सक्सेस पार्टी करेंगे तो सबको बुलाएंगे, पूरे हिमाचल को इन्विटेशन देंगे। लेकिन ऐसे ही मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा ना कि कोई यार स्पेशल कोई क्यों चल के आएगा मेरे, तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। तो यही मैंने कहा ना कि बहुत प्यार मिल रहा है, यही है वो प्यार राइट। अभी से हम अभी शूलिनी गए थे, तो वहां भी बच्चे मतलब ये कि हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि जब ऐसे हमने हिमाचल का नाम सुना। तो मैंने कहा इसके यार दो चीजें हैं, एक तो है गुड पार्ट की, ठीक है कि हिमाचल का एक लड़का टीवी पे गया, सैड पार्ट इज कि हिमाचल का सिर्फ एक ही लड़का क्यों गया। मेरे लिए वो, मैं ये ऐसे सोचता हूँ कि यार भगवान करे कि जब नेक्स्ट सीजन आए, या नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट से नेक्स्ट सीजन में हिमाचल से कम भी 3-4 पिक्चर्स तो हों आउट ऑफ 150।